आपको रियल लाइफ की फिल्म डर तो याद ही होगी, जिसमें खलनायक लवर पर इश्क का ऐसा पागलपन सवार होता है कि वो किसी भी हद से गुजरने को तैयार रहता है। लेकिन रियल लाइफ में एक ऐसा ही साइको लवर है जिसने इश्क का टैटू गुदवाया और कहा तू है मेरी जानू, जिसने मोहब्बत को हासिल करने के लिए कर दिया किसी का कत्ल। साइको लवर और मर्डर, सन की आशिक का इंतकाम, टैटू में मोहब्बत का पैगाम, कॉल पर मर्डर का ऐलान। हाथ में बना ये टैटू सनक की गवाही दे रहा है, जिसका खुलासा हैरान कर देगा। इस टैटू का इस मर्डर से कनेक्शन है। सिंगरौली के सरई थाना इलाके का कोनी गांव, जिस गांव में मोहित नाम के शख्स की हत्या कर दी गई, उसे मौत की नींद सुलाया गया। 7 दिन तक पुलिस की टीम गांव में कैंप कर रही थी। इस हत्यारे की तलाश में आरोपी मिथुन रेला गांव का रहने वाला है। वारदात वाले दिन पुल के नीचे छुपा रहा, फिर कोनी गांव आया, जहां मोहित पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। सवाल था क्यों? तो ये पूरी कहानी साइको लवर किलर की है, प्यार में पागल एक सनकी आशिक की। आए दिन उसको तंग ही करता रहता था और उससे कई बार उसने कहा कि मैं तुम्हारे पति मोहित को मार दूंगा, तुम्हें मेरे ही साथ रहना होगा। इस तरीके की विवेचना में जो तथ्य आए हैं और कहीं ना कहीं जो उसकी स्थिति है, जहाँ वो रहता है और जहाँ मृतक की डेड बॉडी मिली है, वहाँ से आना जाना और घटना को खारिज करना पूरी तरह से अपने टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर साबित हुआ है। तो मिथुन नाम का व्यक्ति है, वही आरोपी इसमें मिला है। तहकीकात में पुलिस को ऐसे एविडेंस मिले जिससे आरोपी मिथुन का क्राइम सीन पर होने के सबूत मिले। सनकी आशिक मिथुन कई बार किसी को कॉल करके ये कह चुका था वो मोहित की हत्या कर देगा अगर वो उसकी ना हुई तो। आखिर वो कौन थी? पुलिस की माने तो मिथुन की दोस्ती मृतक मोहित की पत्नी से थी। हत्यारा मिथुन, जो खुद शादीशुदा है, वो मोहित की पत्नी को हमेशा के लिए पाना चाहता था, जिसका पागलपन उसके हाथ में बने टैटू में नजर आ रहा है, जिसने अपना और मोहित की पत्नी का नाम लिखवाया, साथ ही जानो। ये टैटू उसे हर वक्त ये याद दिलाता था कि उसका प्यार उसके पास नहीं है। आरोपी इसमें एक ही है जो मृतक मोहित उसकी रात में सोते समय हत्या कर दी गई थी सरई थाना अंतर्गत। उसमें जो इसकी पत्नी है, मृतक की पत्नी, उसका एक प्रेमी है मिथुन नाम का, उसके पास ही प्रॉपर मेंस्रिया जो कहते हैं कारण मृतक को मारने का पूरी तरह से मिला है। उसने वो भी शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, पर वो अपने हाथ पर मृतक की पत्नी का गुदना भी गुदाया हुआ है। कई बार उसने मृतक की पत्नी को परेशान भी किया, यहाँ तक अपने हाथ की नस भी ये सनकी आशिक काट चुका था। पुलिस के मुताबिक वारदात से कई दिन पहले भी वो बार बार कॉल करके ये कह चुका था कि तुम मेरी हो जाओ वरना मोहित की हत्या कर दूंगा। साइको लवर की ये कोरी धमकी नहीं थी बल्कि सच था। घटना दिनांक को पत्नी यहाँ थी ही नहीं, अम्बाला में ही उसने फोन पर मृतक के पत्नी से बात की है आरोपी ने, और उस समय नहीं लेकिन उसके पहले इसने कई बार बोला है कि मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा नहीं तो तुम मेरे ही साथ हो। और उस दिन भी कुछ इंस्टिगेटिंग बातचीत हुई है जो CDR के माध्यम से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि बात क्या हुई है। फिर उसके बाद ही इसने इस घटना को अंजाम दिया। सनकी आशिक के पागलपन की कीमत बेकसूर मोहित ने चुकाई। सीडी में हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।